दोस्तों आज के वीडियो में आपको जानकारी देंगे कटिहार रेलवे स्टेशन से भागलपुर जो रेल लाइन जाएगा भाया मालदा टाउन फरक्का जंक्शन होते हुए, तो यही सब आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे कैसे रूट निकलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कटिहार रेलवे स्टेशन पर जो पांच अलग दिशाओं से रेलवे रूट आ रहा है, पहले वह जान लेते हैं, तब चलते हैं भागलपुर की तरफ, तब आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा। कटिहार से जो ये रेलवे लाइन जा रहा है सेमापुर की तरफ, यह रेलवे लाइन जा रहा है मानसी खगड़िया होते बरौनी की तरफ। यह रेलवे लाइन डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड है। और कटिहार जंक्शन से जो ये रेलवे लाइन निकल रहा है दलहन के तरफ, यह रेलवे लाइन जा रहा है पूर्णिया फारबिसगंज की तरफ या कहिए पूर्णिया सहरसा की तरफ। और कटिहार से जो ये रेलवे लाइन जा रहा है मानशाही कुमारीपुर, यह रेलवे लाइन जा रहा है मनिहारी के तरफ जिधर से जानकी एक्सप्रेस आती है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये रेलवे रूट। कटिहार जंक्शन से जो ये नया टोला की तरफ जा रहा रेलवे लाइन, ये वाला ये जा रहा है बारसोई की तरफ, बारसोई होते न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ, समझ में आ गया। और हम चलते हैं आज भागलपुर की तरफ, तो ये मानिया वाला रेलवे लाइन जो है, यही रेलवे लाइन जो है मालदा टाउन की तरफ जा रहा है। मालदा टाउन होते हावड़ा भी जाता है और मालदा टाउन होकर भागलपुर भी जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। कटिहार से जैसे ही निकलेंगे तो इस रूट पर पहला जंक्शन आएगा कुमेतपुर जंक्शन। यहाँ पर भी बाईपास बनाया गया है कुमेतपुर के पास। अगर कोई ट्रेन जो है कुमेतपुर से पहले अगर मालदा टाउन की तरफ जाना, इधर न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ जाना चाहे तो वो निकल सकती है इस वाले बाईपास से। और अगर उसको सीधा जाना है तो ये कुमेतपुर जंक्शन होते हैं मालदा टाउन की तरफ। ये रेलवे लाइन जो आ रहा है ये डबल लाइन, ये बारसोई न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ से। तो आपको समझ में आ गया ये रेलवे रूट। और यही सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है मुकरिया के पास, मुकरिया बारसोई, ये आगे जो है बारसोई जंक्शन है, ये मुकरिया है, मुकरिया से ये कटिहार है, सीधे नया टोला होकर के कटिहार निकलता है। कर लेते हैं तब आपको समझ में, कटिहार निकलता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। मुकरिया से भी ट्रेन जाती है कटिहार और यहाँ कुमेतपुर बाईपास होके भी कटिहार निकलती है ट्रेन। तो आज चलते हैं मालदा टाउन होते हुए भागलपुर की तरफ। कुमेतपुर के पास से जो है फिर यहाँ पर डबल लाइन हो जाता है, तो छोटा कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो है इकलक्की जंक्शन है, यहाँ से जो ये रेलवे लाइन निकल रहा है ये बालू घाट जा रहा है। ये रेलवे लाइन सिंगल डीजल लाइन है, तो छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ओल्ड मालदा टाउन है, ओल्ड मालदा टाउन जो है वह जंक्शन है, यहाँ से मालदा कोर्ट की तरफ निकलता है, वह सिंगल लाइन है। और ये मालदा टाउन जो मेन स्टेशन है, जो डिवीज़न है, ये मालदा टाउन है, ये डबल लाइन है पूरा। फिर जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है न्यू फरक्का, यहाँ पर जो है बाईपास भी बनाया गया है न्यू फरक्का बी केबिन के पास। तो यहाँ पर देखिए ये फरक्का जंक्शन जो है, ये रेलवे लाइन अभी जो है हाटे बाज़ार एक्सप्रेस वह इस वाले लाइन से निकलती है, न्यू फरक्का से, न्यू फरक्का केबिन जो है इस वाले रेलवे लाइन से निकलती है। और ये रेलवे लाइन जो है आगे ये जा रहा है बरहवा से पहले जो है ये घूम जाएगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। देखिए ये बरहवा है, बरहवा से पहले ये जो है यहाँ पर बाईपास बनाया गया है, क्योंकि बरहवा कोई ट्रेन जाएगी ये सीधे भागलपुर चला जा रहा है रेलवे लाइन, भागलपुर जमालपुर क्यूल ये रेलवे लाइन। तो ये बरहवा से पहले जो है यहाँ पर बाईपास बनाया गया है। तो इस बाईपास से ये फ़ायदा है कि कोई भी ट्रेन अगर मालदा टाउन या कटिहार की तरफ से आएगी वो भागलपुर ना जा कर के ये नीचे सीधे इधर से ये जो है रेलवे लाइन हावड़ा की तरफ जा रहा है, जिसमें नलहाटी जंक्शन है, नलहाटी होते हुए रेलवे लाइन जा रहा है, ये जो है ये डबल लाइन है। तो समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इधर से हावड़ा की तरफ ले जाएंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये बरहवा जंक्शन है, क्योंकि बरहवा से ये एक लाइन भागलपुर चला गया, एक लाइन मालदा की तरफ चला गया, एक लाइन इधर हावड़ा की तरफ चला गया। तीन पत्थर जंक्शन है, यहाँ से तो राजमहल की ओर जा रहा है, ये भी रेलवे लाइन को जो है
इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया, ये सिंगल लाइन है। साहेबगंज के बाद ये रेलवे लाइन डबल है। पीरपैती, ये जो नया जो यहाँ से गोड्डा वाला रेलवे लाइन बन रहा है वो वाला लाइन है। और यहाँ पर जो है शिवनारायणपुर से जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रीफाइड बचा हुआ है, शिवनारायणपुर से भागलपुर तक जो है इलेक्ट्रीफाइड बचा हुआ है। तो फाइनली जब भागलपुर पहुँचेंगे तो ये वाला जो है रेलवे लाइन जा रहा है हंसडीहा जा रहा है भागलपुर से। यह कहिए बांका भी चला गया, ये बरहट जंक्शन है, इधर से देवघर भी जा सकते हैं। और ट्रेन भी जाती है भागलपुर होते हुए जो अगरतला से आती है, वह ट्रेन जो है कटिहार, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर होते हुए देवघर तक जाती है। तो भागलपुर तक पहुंच गए, ये सामने चला गया, ये रेलवे रूट जो है सुल्तानगंज होते मुंगेर चला गया या जमालपुर चला गया, क्यूल चला गया, समझ में आ गया होगा रेलवे रूट। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर।